हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज विप्रो की तरफ से जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट है उनके लिए 7 मई को 12 बजे इनकी कनेक्ट सेशन हेल्ड हुई थी। तो गाइस, जो कनेक्ट सेशन हुआ था उसमें गाइस जितने कैंडिडेट जो कि अटेंड किया था उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी इस टाइप के वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो भी मैं बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो गाइज, मैं आपको डिटेल्स में विप्रो कनेक्ट सेशन से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि किस लिए ये कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनको ये नहीं पता है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो गाइज आप इस चैनल पर आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइज, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2022 बैच के हैं, 2023 बैच के हैं, और गाइज उनके लिए विप्रो जो है जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए कनेक्ट सेशन करा रही है। आपको मैं बता दूं कि ये महीने में 2 से 3 कनेक्ट सेशन कराती है और इसके थ्रू ही वो कंफर्म करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग होगी आगे या नहीं होगी। जो गाइज जो कनेक्ट सेशन होता है उसमें आप लोग एक सर्वे मेल आप लोग को सर्वे कराया जाता है जिसके लिए लिंक वो प्रोवाइड करते हैं और आपको सर्वे करके आप कंफर्मेशन करना होता है। तो गाइज, आप सबको मैं जो भी डाउट है उसको मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों के मन में ये डाउट है कि सर मैंने जो सर्वे जो मिला हुआ था, लिंक मिला हुआ था, उसको मैं ओपन कर रहा था लेकिन ओपन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा सर्वे नहीं हो पाया। तो क्या हमको एनजीए ट्रेनिंग के लिए मेल वगैरह आएंगे? तो गाइस, इसको मैं बता दूं कि ये जो आप लोग सर्वे कराया जाता है ये विप्रो की तरफ से कंफर्म कराने के लिए ये कराया जाता है कि क्या आप लोग उस जो ट्रेनिंग कराई जाएगी उसको अटेंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो गाइज, अगर आपने मिस कर दिया तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा अभी जब तक दूसरे कनेक्ट सेशन के लिए आपको मेल नहीं आया था, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको एनजीए से रिलेटेड कोई भी मेल नहीं आने वाली है। ये रही आप लोगों की पहली डाउट। इसके अलावा गाइज, जो भी कैंडिडेट हैं जो जिनके मन में ये डाउट है सर मैंने विप्रो कनेक्ट सेशन तो अटेंड किया था, सर्वे फॉर्म भी भरा था, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड मेल नहीं आ रही है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि विप्रो जो है ऑलरेडी बता चुकी है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक कनेक्ट सेशन के बाद मेल नहीं आ रहा है ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनके लिए थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो है बैच वाइज करा रहे हैं। बैच वाइज करा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका पहले कनेक्ट सेशन हो गया होगा, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको बाद में कनेक्ट सेशन हुआ होगा। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि ये कोई कंफर्म नहीं है कि जो पहले हुआ था उनको ही ये पहले मेल आ जाए। ऐसा भी हो रहा है कि जो भी कैंडिडेट जो कि बाद में कनेक्शन किए हुए हैं उनको सबसे पहले एनजीए ट्रेनिंग से रिलेटेड मेल आ जा रहा है और जो पहले कर चुके हैं उनके पास नहीं आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आने वाले 1 महीने के अंदर मे भी आप लोगों को भी ये मेल आ जाए, क्योंकि बैच वाइज करा रहे हैं तो कोई कंफर्म नहीं है कि किस कैंडिडेट को किस बैच में वो रखने वाले हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट भी वो देखते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही बैच ये बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे डाउट हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, अभी उनको कुछ पता नहीं है कि सर ये विप्रो कनेक्ट सेशन क्यों कराया जाते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि विप्रो कनेक्ट सेशन जो है आप लोग को 3-3 एजेंडे पे ये बात करती है, और जो कनेक्ट सेशन होता है उसमें आपको पहला जो एजेंडा होता है उसे बताया जाता है कि प्री स्केलिंग ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में वो अच्छे से सब कुछ बताते हैं। जो सेकेंड जो पॉइंट होता है इनका एजेंडा जो होता है वो इनकी मेथोडोलॉजी पे होती है, जो प्री स्केलिंग ट्रेनिंग होता है उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीजें उसमें बताए जाते हैं। इसके अलावा गाइस, आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट जो एजेंडे इनके होते हैं उसमें वो पूछते हैं आपसे कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलता है, उसमें आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्री जो आपके प्री कनेक्ट सेशन होते हैं उसमें ये सारी चीजें बताए जाते हैं। इसके अलावा गाइस, मैं बता दूं कि ये जो सेशन होता है इसमें आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करने के बाद वो बताते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको आगे अनबोर्डिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा, फिर से अगर आपने फेल हो गए तो। मोस्टली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भी ट्रेनिंग फेल होने के बाद भी उनके पास मेल आए हैं कि आप लोग को दोबारा ट्रेनिंग करना है। तो ये सारे अपडेट हैं जो कि विप्रो की तरफ से आते हैं, कनेक्ट सेशन में बताए जाते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल भी ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको विप्रो टाइमली बताते रहेंगे।
और गाइज एक और डाउट होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में कि सर मेरा जो कनेक्शन होना था वो जो है लॉबी फुल होने की वजह से मेरा नहीं हो पाया, तो क्या मेरे को फिर दोबारा मेल आएंगे? तो आपको मैं बता दूंगा गाइज, जो दोबारा फिर मेल करेंगे अगर आपने अटेंड नहीं किया हुआ उनका कनेक्शन, तो इसको लेकर भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे अपडेट हैं जो कि बीप्रो की तरफ से निकल के आ रही है। तो इसके अलावा गाइज चलिए, जो आज के जो मेल आए थे, जो 7 मई के लिए जो कनेक्शन हुआ था, उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ था उसको आज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग विदाउट इसकी वीडियो के यहाँ से एंड तक देखना, ताकि जो भी उस मेल में लिखा हुआ है वो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो चलेगा इस वीडियो का स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या उसमें बताया गया है। विप्रो में जितने भी कैंडिडेट थे जो कि अपनी विप्रो कनेक्शन के लिए वेट कर रहे थे, तो गाइज उनके लिए आज के दिन में 7 मई के दिन इनकी कनेक्शन हुई है, और ये गाइज 12 बजे इनकी कनेक्शन थी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कनेक्शन को अटेंड भी किया था। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो कनेक्शन हुआ था इसमें ये प्री स्केलिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड ये बात करने वाले हैं, और बताने वाले हैं कि आपके जो प्री स्केलिंग ट्रेनिंग है वो शॉर्टली ये स्टार्ट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड गाइज इन्होंने एजेंडा बात किया कि कनेक्शन में क्या एजेंडा होने वाली है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग प्री स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं, और बताए भी होंगे, और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के बारे में भी इन्होंने बताया, और क्वेश्चन आंसर सेशन भी इस ट्रेनिंग में चला। तो इसको लेकर गाइस जो भी डाउट था इन जितने रिमेनिंग कैंडिडेट है उनके लिए मैंने ऑलरेडी पीछे बताया इस वीडियो में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट गाइज ये आप लोग के लिए होने वाली है कि अगर आपने प्री स्किलिंग ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही आपको अनबोर्डिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे। ये जो है जो कैंडिडेट जिनको नहीं पता था उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है ये। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ 2 ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे आप लोग मेल करके अपनी क्वेरी कर सकते हो। और गाइज मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग मेल करो तो अपना रिज्यूमे नंबर या सुपरसेट आईडी जरूर मेंशन करना, ताकि वो फास्टर आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर सके। तो ये गाइज विप्रो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट थी आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइज आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।